हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। गाइस, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें कोई चीज बहुत ज्यादा पसंद आती है तो हम उसे बहुत ध्यान से देखते हैं और उसकी छोटी छोटी बातों पर नजर रखते हैं। ऐसा ही होता है जब हमें कोई मूवी या सीरीज पसंद आती है जिसके साथ हम इतना अटैच हो जाते हैं कि हम उससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लगाने लगते हैं, और इसी वजह से हम मूवी मेकर्स की तरफ से हुई किसी भी तरह की गलती को नजरअंदाज नहीं कर पाते। ऐसा ही तब हुआ जब हम गेम ऑफ थ्रोन्स का सीजन 8 का 4th एपिसोड द लास्ट ऑफ द स्टार्क्स देख रहे थे, जहां एक सीन में हमें स्टार्क्स के टेबल पर एक मॉडर्न कप दिखाई दिया, जिसे देखने के बाद गेम ऑफ थ्रोन्स के व्यूअर्स ने इस सीन को लेकर सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया, जिसके बाद इस सीरीज के मेकर्स द्वारा अपनी गलती को मानते हुए उस कप को इस सीन में से रिमूव कर दिया गया था। अब हम बात करते हैं गेम ऑफ थ्रोन्स के प्रीक्वल हाउस ऑफ द ड्रैगन्स की, जिसमें सीजन 1 के एपिसोड 3 में एक सीन को देखकर फैंस ने ये क्लेम किया कि उन्होंने एक सीन में किंग विसेरस को हाथ में एक ग्रीन स्क्रीन ग्लव पहने हुए देखा है, जो कि हाउस ऑफ द ड्रैगन के मेकर्स की तरफ से मिस हुई एक गलती है। आपको बता दें कि ये ग्लव सीजी इफेक्ट्स का ही एक पार्ट है, ताकि हमें ये दिखाया जा सके कि किंग विसेरस की दो उंगलियां किसी बीमारी के चलते डैमेज हो गई हैं। इस ग्लव की मदद से इस सीन में सीरीज के मेकर्स को एडिटिंग करके किंग विसेरस की फिंगर्स को गायब करना था, जो कि उनसे मिस हो गया। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस सीरीज के शुरुआती एपिसोड में एक सीन में हमें दिखाया गया था कि किंग विसेरस को कोई प्रॉब्लम हो गई है, जिसकी वजह से उनके हाथ का ट्रीटमेंट चल रहा था। शायद इसी बीमारी के चलते किंग ने अपनी दोनों उंगलियां खो दी। इस सीरीज के मेकर्स द्वारा हुई गलतियों पर फैंस के इस रिएक्शन पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम हमारे चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।